गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आए हैं पराशर ऋषि। तो मैं आज आपको पराशर ऋषि का मंदिर बताऊंगा। वैसे तो आप सबने देखा ही होगा पहले से, पर मेरे जो भाई बहन जिन्होंने नहीं देखा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है जो बाहर के बंदे हैं, हिमाचल से बाहर के बंदे हैं, उनको मैं आज पराशर ऋषि का मंदिर बताऊँगा। दोस्तों ये देखिए पराशर ऋषि की बहुत सुंदर झील, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ये हमारा पराशर ऋषि का मंदिर है। जो कि एक हमें जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन आता है कि पराशर ऋषि का मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया है, तो ये पैगोडा शैली में बनाया गया है। यह है पराशर ऋषि का बहुत ही सुंदर नज़ारा। आप यहाँ पर घूमने आओ और शांति सुकून पाओ। यहाँ पर बकरियाँ, तासे बोलते हैं भेड़ू भी ना, बकरियाँ और भेड़ू घास चर रहे हैं। और ये देखो टाइगर भी आ गया। जो देख रहा होगा कि मैंने इसकी बकरियों को छेड़ा है, तो ये आ गया। और इसकी ये तीन बहनें हैं, इन बहनों को देखो। जब इनका भाई आया तो यहाँ पर अपने भाई को देखने के लिए खड़ी हो गई। तो ये नज़ारा है दोस्तों हमारे पराशर ऋषि का, बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा। दोस्तों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ता भाई मैं तो ब्लॉग बनाता जेब भी जा ना, मैं तो खूबसूरत नज़ारे दसा। देखने देखा नहीं देखना था तू सारी मर्जी। बाकी ये देखो ये है टापू जो इस झील में 360 डिग्री के ऊपर, ऊपर क्या मतलब 360 डिग्री में घूमता है। तो मैं अभी आपको ये टापू भी थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ पराशर ऋषि मंदिर में इस ब्लॉग के साथ। दोस्तों ये देखिए जो पराशर ऋषि झील के अंदर जो टापू होता है वो यहाँ पर है आज। वैसे वो इस साइड भी होता है कभी कभी, पर आज वो घूमता हुआ वहाँ पर चला गया है। और ये यहाँ पर हमारा पराशर ऋषि का मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप भी देख सकते हो, आओ और देख के अपने घर जाओ। देखो दोस्तों एक गली ना, ऐसे करना चाहें ब्लॉगिंग आऊं दिता ही नहीं ना, पर चलो यहाँ कर ही दें। आई गिरे आज देखो घूमते फिर दे। ये मंदिर है तो आपको भी आना चाहिए पराशर ऋषि मंदिर में।
मतलब यहाँ पर आके मतलब ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ चुके हैं, पर हमें तो पता नहीं है जन्नत कैसी होती है, परंतु मतलब आए तो हैं हम। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी मछलियाँ दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत जितनी भी मेरे को दिख रही है, मेरे कहने का मतलब ऐसा है। देखो यहाँ पर मछलियाँ हैं भाइयों, पर ये मछलियाँ मतलब प्राच ऋषि की मछलियाँ हैं। अब मेरे को नहीं पता किसकी है, मतलब भगवान की मछलियाँ हैं। तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो इन मछलियों को मारना मत कभी भी, नहीं तो पाप चढ़ेगा आपको। यहाँ पर आओ, फोटो खींचो, उस पहाड़ के ऊपर भी जाओ, मछलियों के साथ नहीं छेड़नी है, बाकी जो मर्जी करो ठीक है। बाकी ये रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, देखो मंदिर, वेरी ब्यूटीफुल। बाकी इतना बोर नहीं करेंगे हम आपको, आगे बताते रहेंगे जो अच्छी अच्छी जगह आएगी। तो हमारे साथ ब्लॉग पर बने रहिए।